स्टूडेंट, हम लोग साइंस के चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम लोग सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि सेल जो है वो शेप में, साइज में वरी करता है, इस तरह सेल जो है वो अपने स्ट्रक्चर में भी वरी करता है। ठीक है, आज हम लोग सेल के जो शरीर का बेसिक पार्ट होता है यानी सेल, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इस स्ट्रक्चर में हम लोग एनिमल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, जो सेल होता है उसके स्ट्रक्चर को हम तीन लेवल पे बांट सकते हैं। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकंड लेवल होता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा और आखिरी जो लेवल होता है वो होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, सॉरी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पहले लेवल यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जो हमारा सेल होता है वो एक बहुत ही पतले, बहुत ही थिन, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक मेम्ब्रेन यानी कवर, मेम्ब्रेन मतलब परत से चारों तरफ से घिरा रहता है। ठीक है, जो चारों तरफ से साइटोप्लाज्म के चारों ओर से को घेरे रहता है। ठीक है, ये जो थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरे रहता है, उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में काम क्या करता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पॉइंट में देखिए, इट सेपरेट द सेल फ्रॉम वन अनदर, यानी ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है। ठीक है, और साथ में ये जो सेल के मीडियम होता है मतलब साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसको भी सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल को एक कोई निश्चित शेप देता है। सेल मेम्ब्रेन प्यारे बच्चों पोरस होता है, ये चीज़ों को सब्सटेंस के मूवमेंट को इनसाइड और आउटसाइड जाने की अनुमति देता है। ठीक है, ये सेल के जो मटेरियल होते हैं उनके मूवमेंट को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और क्या काम करता है उसके बारे में। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देर इज़ द आउट मोस्ट थिक लेयर इन प्लांट सेल। लेकिन आप देखोगे, ये तो एनिमल सेल की बात होगी, प्लांट सेल जो होते हैं प्यारे बच्चों उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ भी एक जो है वो थिक लेयर, आउटमोस्ट थिक लेयर पाई जाती है। ये जो आउटमोस्ट थिक लेयर होती है वो नॉन लिविंग और एक रिगिड सब्सटेंस से बना होता है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। ठीक है, ये जो एडिशनल लेयर सराउंडिंग होता है सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ वो पौधों को क्या देता है, वो पौधों के सेल को प्रोटेक्शन देता है टेम्परेचर वेरिएशन से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से और हाई स्पीड विंड से। ठीक है, ये जो आउटर थिक लेयर होता है इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं पौधों में, एनिमल सेल में नहीं होता ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, और ये प्लांट सेल को जो है मैंने अभी बताया आपको कि टेम्परेचर वेरिएशन, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, हाई स्पीड विंड इन सबसे बचाता है। प्लांट सेल को इनके प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है सेल वॉल की, क्यों, बिकॉज दे आर अनेबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस इन सच सिचुएशन, क्योंकि ये एक ही जगह पे रहते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, तो इस सिचुएशन में इनको प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की को रिगिडिटी से भी बचाता है, बाहर की कठोरता से भी बचाने का काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने सेल के मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, यानी सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और मैंने बताया कि सेल स्ट्रक्चर जो है, किसी भी सेल के स्ट्रक्चर जो है वो तीन लेवल पे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर जो है न्यूक्लियस। तो उसका जो पहला लेयर था सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको हम लोगों ने आज जाना, उसके फंक्शन के बारे में जाना। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर जो है वो एक एनिमल सेल की है, जिसमें आपको ये जो सबसे बाहर की तरफ का जो लेयर दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आप देखोगे ये चारों तरफ से किसको कवर कर रखा है, साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से कवर कर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड लेवल यानी सेल स्ट्रक्चर का सेकंड लेवल लेयर या लेवल बोल सकते हो,
जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।